हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जामों के, जैसे हो गया CET हो गया, रीट हो गया, पटवार हो गया, इन सभी एग्जामों के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर एक है वो है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी विशेषता है कि एक मटका होता है, उस मटके में छेद किए, उस मटके के चारों छेद किए होते हैं और इसमें दीपक रखा होता है। तो ये जो विशेषता है ये किस नृत्य की है, तो गरबा नृत्य की है या गुड़ला नृत्य की है, चरी नृत्य की है या फिर वाला नृत्य की। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गुड़ला नृत्य। कौन सा हो जाएगा, गुड़ला नृत्य। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तिरहत ताली नृत्य में काम नहीं आता। यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तिरहत ताली जो नृत्य जो बाबा रामदेव जी के मंदिर में का प्रसिद्ध है, ये इसमें नृत्य जिसमें क्या ये काम नहीं आता है, जैसे मंजीरा, तानपुरा या फिर चौतारा या फिर डेरू। इसका जो क्वेश्चन नंबर जो दो है इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डेरू। डेरू जो है ये तिरहत बाबा रामदेव जी के मंदिर में तिरहत ताली नृत्य में काम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर तीन है कि कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है। जो कर्णाबील है ये किस वाद्य यंत्र का, जो किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है, तो ये क्या हो जाएगा, नड़ हो जाएगा या मोरचंग हो जाएगा या फिर सतारा का या करना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कर्णाबील नड़ वाद्य यंत्र का वादक है। इसके बाद मैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी नहीं प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। गुलाबों का संबंध किस है, घेर नृत्य से है या फिर कालबेलिया नृत्य से है या फिर वाला नृत्य से या फिर घूमर नृत्य से। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य से। किसे का गुलाबों का संबंध किस है, कालबेलिया नृत्य से। क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर चलते हैं कि लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है, शिला देवी से, केला देवी से या करणी माता से या फिर रानी सती से। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केला देवी से, करौली काकी माता है करौली की। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि लांगुरिया नृत्य होते हैं, जो लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला देवी के मंदिर में। क्वेश्चन नंबर सात है कि वालर का प्रसिद्ध नृत्य है ये किसका है, ये सांसियों का है या बिलों का या ग्रासियों का या फिर चारणों का। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ग्रासियों का। वालर किसका नृत्य है, ये ग्रासियों का। क्वेश्चन नंबर आठ है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है, ऐसी कौन सी लोक नृत्य शैली है, वालर होगी, गौरी होगी, तेरह ताली होगी या फिर चरी होगी। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वालर। गौरी बिलू से संबंधित है, तेरह ताली कामड़ जाति, बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध और चरी नृत्य गुजर जाति से प्रसिद्ध, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नहीं, राजस्थान की प्रथम मांड गायिका थी जिसे क्या किया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थी, अलाजिला बाई थी, मांगी बाई थी या गौरी बाई थी या बनो बेगम थी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, अलाजिला बाई। क्वेश्चन नंबर दस है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। ये मैंने अभी बताया था जस्ट, तो आप तुरंत बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील या फिर जोगी या फिर कामड़ या फिर चारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कामड़ जाति। कहाँ प्रसिद्ध है, बाबा रामदेव जी के मंदिर में तेरह ताली नृत्य करते हैं ये, इसे कामड़ जाति के लोग करते हैं। और हाथों पर क्या, मतलब हाथ पैरों में क्या, मंजीरे बांधते हैं और फिर उन मंजीरों को आपस में नीचे जमीन पर बैठकर इस टकराते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में जो जागरण होता है क्या कहते हैं, ब्यावले। क्वेश्चन नंबर ग्यारह के घूमर नृत्य के सबसे समय सॉरी घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। जब हम घूमर नृत्य करते हैं तो उस समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, ढोलक या वीणा की, मंजीरा या वीणा की, केवल ढोलक की या फिर ढोलक या मंजीरा की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ढोलक और मंजीरा की। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं, पुरुष और महिलाएं साथ करते हैं या फिर केवल घोड़े। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल पुरुष करते हैं, कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा। यानी राजस्थान की जो भील जनजाति है उसका अभिलाक्षणिक नृत्य और राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है, घूमर होगा, कच्ची घोड़ी होगा या फिर कठपुतली होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, घूमर नृत्य।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान के किस शहर से, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ, यानी ढोल जो नृत्य है इसका प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है। तो अलवर से हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, या फिर जयपुर होगा या भरतपुर। अलवर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालोर। झालोर से किसका आरंभ हुआ, ढोल नृत्य का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रावण हत्या क्या है, जो रावण हत्या क्या है, रावण हत्या एक प्रकार का नृत्य है, एक पुस्तक का नाम या फिर वाद्य यंत्र है या फिर स्थान का नाम। तो रावण हत्या क्या हो जाएगा, रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, क्या है, वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सोलह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तत्ववाद्य जो तार से बजता हो वो वाद्य यंत्र नहीं है, जैसे रावण होता है, रावण होता क्या तार से बजता है, ये सही। कि अलगोचा जो सुशीर वाद्य यंत्र, कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें हम फूंक मार के बजाया जाता है, ये राजस्थान का वाद्य यंत्र। इसके बाद में जंतर ये तार का होता है, तार का बना होता है, और ये देवनारायण भगवान की फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। इसके बाद में वीणा भी क्या है, तत्ववाद्य यंत्र है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर